जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए एक इलेक्ट्रिकल की प्रैक्टिकल वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि स्ट्रीट लाइट में जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तब उसको कैसे ढूंढा जाता है और कैसे सही किया जाता है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये यहाँ पर हमारा टाइमर लगा हुआ है जो स्ट्रीट लाइट को शाम को ऑन और सुबह ऑटोमेटिक ऑफ़ करा देता है। और यहीं पर जो एमसीबी लगी हुई है ये हमारी ऑन करने पर बार बार ट्रिप हो रही है, तो इसी फॉल्ट को हमें ढूंढना है कि ये किस वजह से फॉल्ट हो कर रही है, क्यों ट्रिप कर रही है। तो चलिए पहले हम इसको फील्ड में जाके देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। जब देखिए दोस्तों, हम फील्ड में आ गए हैं। अब जो पोल दिखाई दे रहा है इस पर एमसीबी से मेन केबल आ रही है और जहाँ कंट्रोल रूम के ऊपर जो लाइट लगी है वहाँ पर केबल आ रही है। तो सबसे पहले हमें क्लियर ये करना है कि फॉल्ट फील्ड में जो पोल लगे हैं वहाँ पर है या कंट्रोल रूम के ऊपर जो लाइट लगी है वहाँ पर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो मेन केबल आ रही है पहले पोल पर, उसको मेन केबल को वहाँ से निकाल देंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि फॉल्ट हमारा पोलों के साइड का है या कंट्रोल रूम के जो ऊपर ये लाइटें लगी हुई हैं यहाँ का है। तो चलिए पहले हम पोल पर जाकर उसको डिसकनेक्ट करते हैं केबल को, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो हम पोल के पास आ गए हैं और अब यहाँ पर हम उस केबल को डिसकनेक्ट करेंगे। जो फर्स्ट कनेक्टर है इस पे मेन केबल है ये, तो हम पहले इसको निकाल देंगे। तो देखो दोस्तों, हमने इस केबल को डिसकनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या होगा, अगर एमसीबी अब भी ट्रिप होती है तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये फॉल्ट कंट्रोल रूम के जो ऊपर लाइट लगी है वहाँ का है। अगर एमसीबी ट्रिप नहीं होती है तब हमें पता लगे, हमें हर पोल पर जाके देखना पड़ेगा फॉल्ट कहाँ पर है, उसको फिर सही करना पड़ेगा। चलिए पहले हम एमसीबी को ऑन करके देख लेते हैं क्या होता है। तो देखते हैं, एमसीबी ऑन करने पर अब भी ट्रिप हो रही है, इसका मतलब फॉल्ट कंट्रोल रूम के ऊपर है। वहाँ जाकर देखते हैं कहाँ से है। तो यहाँ आके देखते हैं केबल, ये सबको देखना है, कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रही है। यहाँ पर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केबल को सभी जगह देखेंगे, अगर केबल के बाहर ही कहीं फॉल्ट होगा तो वो आसानी से दिख जाएगा कि यह केबल ख़राब हुई है क्या। अगर फॉल्ट ऐसे नहीं मिलता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो दो तीन तीन लाइट का एक ग्रुप बना के उसको अलग अलग करके और एमसीबी को ऑन करके देखना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा कहाँ पर फॉल्ट है, किस लाइट में फॉल्ट आ रहा है, तो हम उसको क्लियर करेंगे। लेकिन पहले हम इसको बाहर से ऐसे ही देखेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाए कि कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है। अगर कोई अंदर फॉल्ट है तो फिर हमको एक एक करके देखना पड़ेगा उसके लिए। पहले सभी को ऐसे देख लेते हैं। अभी इधर तो कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है, केबल बिल्कुल सही है, यहाँ भी कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है, ये भी ठीक। अब इधर इस लाइट पर देखते हैं, यहाँ पोल पर एक स्पार्क हुआ है और ये देखते हैं, इसको केबल को निकाल के देखते हैं ये किस वजह से हुआ है। तो हम जब केबल को निकाल के देखा तो हमें पता लगा कि ये फेस वायर जो है पोल से टच हो गया था और उसके साथ बेल्ड हो गया था, इसलिए एमसीबी बहुत जल्दी ट्रिप कर रही थी। अब हम क्या करेंगे, इसको जॉइंट करेंगे, केबल को जॉइंट लगा के फिर हम देखते हैं एमसीबी ऑन होती है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमने जॉइंट लगा लिया है। अब ये जो मेन केबल आ रही है और ये पतले वायर जो हैं वो इसी लाइट के हैं, और ये आगे जो एक और केबल जा रही है वो आगे जो लाइट लगी है उस पर जा रही है। तो चलिए अब हम एमसीबी को ऑन करके देखते हैं। दोस्तों, हम एसीडीवी पैनल के पास आ गए हैं और 422 नंबर ये हमारे कंट्रोल रूम के लाइट की जो स्ट्रीट लाइट पोलों पर लाइट जा रही है उसकी है। तो हम इसको अब दोबारा ऑन करके देखते हैं क्या होता है। तो ऑन करने पर अब एमसीबी ट्रिप नहीं हो रही है, इसका मतलब हमारा फॉल्ट वहीं पर था। और अब देखिए लाइट भी जलने लगी है, तो यही फॉल्ट था हमारा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।